Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to represent lse09 Ignousolvedassignment. lse09 का ये assignment का solved presentation आपके लिए तैयार किया गया है. यह इसका question paper, animal diversity part first. LSC 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है असाइनमेंट का. व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के सेलियंट फीचर्स क्या क्या होते हैं वो उनको पॉइंट वाइज आंसर में बताया गया है. ये सभी पॉरीफेरा के सेलियंट फीचर्स हैं, इन्हें पॉइंट वाइज आंसर में बताया गया है. ये असाइनमेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं. आपको कोई दिक्कत ना हो असाइनमेंट तैयार करने में, इसके लिए इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी तरीके के रखी गई है. आप इसी तरीके से अगर असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन पॉइंट वाइज प्रेजेंट करते हैं अपने टीचर्स के सामने, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे. कोई एक्स्ट्रा इसमें मैटर नहीं यूज़ किया गया है, जो जितना क्वेश्चन में पूछा गया था उतना ही टू द पॉइंट आंसर में बताया गया है. आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर उनके मार्क्स के हिसाब से देने होते हैं. कम मार्क्स के लिए कम मैटर प्रेजेंट करना होता है, ज़्यादा मार्क्स के लिए ज़्यादा मैटर एक्सप्लेन करना पड़ता है. फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी पार्ट है. हाउ आर कोरल रीफ्स फॉर्म्ड. कोरल रीफ्स किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में आपको बताना है. क्वेश्चन फर्स्ट के बी पार्ट में आंसर में पूरा बताया गया है कि रीफ्स कैसे बनते हैं, कोरल रीफ्स किस तरीके से बनते हैं, इसके बारे में आंसर में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है. व्हाट इज टॉर्जन. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन इन गैस्ट्रोपॉड्स. टॉर्जन क्या है और गैस्ट्रोपॉड्स में टॉर्जन के प्रोसेस को डिस्कस करना है.
आंसर में आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्जन की डेफिनेशन दी गई है, उसके बाद वो किस तरीके से गैस्ट्रोपॉड्स में टॉर्जन का प्रोसेस होता है उसको बताया गया है, और इसकी पिक्चर के ज़रिए इसमें समझाने का प्रोसेस भी दिखाया गया है किस तरीके से टॉर्जन का प्रोसेस गैस्ट्रोपॉड्स में होता है, उसका डायग्राम भी दिया गया है क्वेश्चन के आंसर में। डायग्राम बनाने से आपके आंसर को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, और कुछ चीज़ें जो आप थ्योरेटिकली लिख कर नहीं बता पाते हैं कई बारी पिक्चर्स के माध्यम से आप आसानी से उसको समझा पाते हैं, इसलिए डायग्राम आप ज़रूर बनाएं अपने आंसर में। आंसर को समझने में आसानी हो जाती है डायग्राम के ज़रिए, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और डायग्राम के लेबल्स भी इसमें दिखाए गए हैं, लेबलिंग की हुई है। इसी तरीके से आपको अपने असाइनमेंट में बनाने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पिक्चर है टॉर्जन के प्रोसेस का जो गैस्ट्रोपॉड्स में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स दैट आर यूनिक टू देम एंड नॉट फाउंड इन अदर फाइला। एकाइनोडर्म्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो सिर्फ उसी फाइलम में पाई जाती हैं, किसी अदर फाइला में नहीं पाई जाती हैं, उसके बारे में आपको बताना है जो एकाइनोडर्म्स को यूनिक बनाती हैं और उसे अलग बताती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। एकाइनोडर्म्स की फाइव पार्ट रेडियल सिमेट्री उन्हें अदर फाइला से डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। और एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इकाइनोडर्म्स में ही होती है, वो है वाटर बेस्ड वैस्कुलर सिस्टम। ये सिर्फ इकाइनोडर्म्स में ही होता है, किसी अदर फाइला में नहीं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्लेन अडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। एक्सप्लेन करना है अडेप्टिव रेडिएशन जो पॉलीकीटाज में होता है।
इस आंसर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है उनमें क्या अडेप्टिव रेडिएशंस होती हैं, जैसे क्राउलिंग, पॉलीकीटास। आंसर में पहले पॉलीकीटास के बारे में बताया गया है, फिर उसके अडेप्टिव रेडिएशंस बताए गए हैं। पेलेजिक पॉलीकीटास, बर्रोइंग पॉलीकीटास, ट्यूबिक्यूलस पॉलीकीटास, ये सभी अडेप्टिव रेडिएशंस हैं पॉलीकीटास की। कमेंसल पॉलीकीटास और पैरासिटिक पॉलीकीटास, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है आंसर में। ये सभी अडेप्टिव रेडिएशंस हैं पॉलीकीटास की। क्वेश्चन नंबर 4 है असाइनमेंट का, ए पार्ट, डिफाइन बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन। बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बतानी है आपको। आंसर में बताया गया है कि बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन क्या है और ये किस तरह से किस किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, व्हाट इज रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, व्हाट डज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न मींस। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का क्या मतलब होता है आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है, नेम एनी टू पर्पसेस फॉर विच विजुअल सिग्नल्स आर यूज्ड। और सेकंड पार्ट है, ऑडिटरी सिग्नल्स आर यूज्ड। दो पर्पस बताने हैं जिसके लिए विजुअल सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है और ऑडिटरी सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। ये आंसर में सीक्वेंस वाइज बताए गए हैं, पहले विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, फिर ऑडिटरी कम्युनिकेशन यानी ऑडिटरी सिग्नल्स के बारे में बताया गया है। इसी क्वेश्चन का ई पार्ट है, व्हाट इज स्ट्रीड्यूलेशन। स्ट्रीड्यूलेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन नॉन कॉर्डेट्स। इलस्ट्रेट योर आंसर विद डायग्राम। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स बताने हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में होते हैं और उनके डायग्राम्स के साथ उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। ये सभी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है प्रोटोजोआ, ये नॉन कॉर्डेट्स में आता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है और उसका डायग्राम, आंसर में फिर बताया गया है पॉरीफेरा के बारे में, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, प्लस पॉरीफेरा का डायग्राम।
अब नॉन कॉर्डेट्स में सिनेडेरियंस, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में आंसर में बताया गया है और उसका डायग्राम। डायग्राम्स की लेबलिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके मार्क्स आपको अच्छे से मिल पाएंगे। नेमाटोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम जो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, प्लस उसका डायग्राम। प्लैटीहेलमेंथिस का सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और उसका डायग्राम। एलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है ये बताया गया है और उसके बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, प्लस उसका डायग्राम। एंड मोलस्क, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्क, प्लस डायग्राम ऑफ मोलस्क। एकाइनोडर्म्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स, प्लस डायग्राम ऑफ एकाइनोडर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है और उसका डायग्राम भी दिया गया है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द नॉन कॉर्डेट्स यील्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। इसके बारे में आंसर में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल जो यूजेस हैं वो नॉन कॉर्डेट्स से कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यील्ड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और कौन कौन से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स के ज़रिए। का क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोविंग्स
ए पार्ट है कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल्स इन इंसेक्ट्स। इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको आंसर में कि विजुअल्स के द्वारा कैसे इंसेक्ट्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में, किस टाइप से विजुअल सिग्नल्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए इंसेक्ट्स। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कीमोरिसेप्टर्स इन नॉन कॉर्डेट्स। इस पर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है आंसर में, एक शॉर्ट नोट दिया गया है कीमोरिसेप्टर्स इन नॉन कॉर्डेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है, इसमें एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। स्टारफिश में किस टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, किस तरह से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश को उसके लोकोमोशन में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट दिया गया है। ये सेवेंथ क्वेश्चन का डी पार्ट है, एक नोट लिखना है आपको स्ट्रोबुलेशन। स्ट्रोबुलेशन क्या है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। असाइनमेंट पूरा हो चुका है LSC09। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।